सो है गाइस एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। सो गाइस आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने मोबाइल फ़ोन को अपने लैपटॉप पे कास्ट कर सकते हैं, वो भी USB के थ्रू, और आप इसे अपने लैपटॉप से कंट्रोल भी कर पाएंगे। और मैं आपको ये भी बताऊँगा कि इसके अंदर गेम्स कैसे खेलते हैं। तो सबसे पहले आपको अपना गूगल क्रोम खोल लेना है। तो गाइस यहाँ पर आपको टाइप करना है SCRCPY डाउनलोड। और यहाँ पर आपको फर्स्ट साइट खोलने वाले खोल लेनी है GitHub वाली। ऑल राइट, और यहाँ पर आपको नीचे आना है, विंडोज वाली सेक्शन पे आ जाना है। तो वैसे यहाँ पे हमें ये फोल्डर मिल जाएगा, डाउन करने का ऑप्शन मिल जाएगा, तो हमें इस पर क्लिक कर लेना है। सो एज यू कैन सी यहाँ पे ये डाउनलोड शुरू हो गया है। ऑल राइट, वेल आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा। बस आपने इस पर राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट टू SCRCPY पे कर देना है। वैसे आप इसको अपने विंडोज़ वाले एक्सट्रैक्ट और पे भी दबा सकते हैं, जो विंडोज़ पे तो ऑलरेडी होता है, लेकिन विंडोज से करेंगे तो अच्छा रहेगा। तो वाइज आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा, आपको बस इसे रीनेम करना है और लिख देना है SCRCPY, और इसे कॉपी करके अपने सी ड्राइव में पेस्ट कर देना है। मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ तो मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं आप पे अभी स्किप कर देता हूँ। ऑल राइट, तो बस आप अपने फ़ोन को अपने लैपटॉप से USB के थ्रू कनेक्ट करना है। ओके, तो अब हम चलते हैं अपनी मोबाइल स्क्रीन। तो बस अब हम आ गए अपनी मोबाइल स्क्रीन पे। अब आपको सिर्फ अपने फ़ोन को अपने लैपटॉप से कनेक्ट कर देना है, लैपटॉप या फिर कंप्यूटर से कनेक्ट कर देना है। ऑल राइट, तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरा एंड्रॉयड कनेक्टेड है मेरे लैपटॉप से या फिर लैपटॉप या पीसी से। तो आपको बस यहाँ पर जाना है और सेटिंग में जाके USB डिबगिंग को इनेबल करना है। ऑल राइट, वैसे अगर आपके फ़ोन में सर्च का ऑप्शन ना हो तो ये आपको डेवलपर ऑप्शन से मिल सकती है, ये ऑप्शन आपको डेवलपर ऑप्शन में मिल जाएगा। ये यूरा USB डिबगिंग, तो आपको इसे इनेबल रखना है। ऑल राइट, तो अब हम चलते हैं अपनी PC स्क्रीन पर, दिखाते हैं कि इसे कास्ट कैसे करना है अपने PC पे। सो वैसे हम वापस आ गए अपने PC स्क्रीन पे, और अब मैं ऑलरेडी अपने लैपटॉप से अपने फ़ोन को कनेक्ट कर चुका हूँ USB के थ्रू, और USB डिबगिंग भी इनेबल है जैसा कि आपने देखा ही। तो आपको बस सिंपली यहाँ पे विंडो प्लस R क्लिक करना है और इसके अंदर टाइप करना है CMD और एंटर प्रेस कर देना है। ऑल राइट, सो गाइस आपको जाना है अपने दिस PC में, सी ड्राइव में और SCRCP वाले फोल्डर में। तो यहाँ पर आपको डबल क्लिक करना है और इसका पाथ को कॉपी कर लेना है। वैसे अब आपको CMD में आके लिखना है CD और ऐसे, अब यहाँ पर लिखना है SCRCPY। ओके, सो गाइस अब कास्ट हो रहा है एंड एज यू कैन सी अब प्रॉपरली कास्ट हो चुका है। अब आप बंद कर सकते हैं, लेकिन आपको ये मेक श्योर करना है कि कमांड पर बंद मत करना, फिर आपके कास्टिंग भी रुक जाएगी। एज यू कैन सी कितना स्मूथली कास्ट हो रहा है। तो आपको अपने फ़ोन में कोई भी एप्लीकेशन करने की ज़रूरत नहीं है, बस ये सिंपली बहुत ही स्मूथली कास्ट करता है जैसा कि आप देख ही सकते हैं। मुझे लगता है कोई भी डिले देखने को मिलेगा नहीं आपको इसमें। ऑल राइट, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इसके अंदर गेम्स कैसे खेलनी है, वो भी आपको अपने कीबोर्ड और माउस से, वो भी OTG के थ्रू कनेक्ट नहीं करने, जो लैपटॉप से कनेक्टेड है उसी वाले कीबोर्ड माउस से। उससे पहले आपको दिखा दो कि जो कीबोर्ड और माउस है वो वैसे ही वर्क कर रहे हैं और कंट्रोल कर पा रहा हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पे अपना कीबोर्ड टच वाला मिनिमाइज़ कर देता हूँ
और यहाँ पे अपने कीबोर्ड की तरफ लिखता हूँ। तो ऐसा कि आप देख सकते हैं कि इसमें कास्टिंग प्रॉपरली हो रही है। ऑल राइट, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इसके अंदर आपको गेम्स कैसे खेलनी है। तो उसके लिए आपको अपने प्ले स्टोर पर जाना है और एक एप्लीकेशन डाउन करनी है, ऑक्टोपस। मैं वो ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुका हूँ तो मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। और मैं फिर से बता दूँ कि इसमें आपको अपने कीबोर्ड माउस को OTG के थ्रू कनेक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो आपके लैपटॉप या फिर PC से कनेक्टेड कीबोर्ड और माउस है वही यूज़ होंगे। तो इसमें बस सिंपली आपको ओपन कर देना है। वो इसमें ऑलरेडी अमंग अस इसमें डाल चुका हूँ और उसको कन्फिगर भी कर चुका हूँ, पर मैं आपको फिर भी एक बार दिखा देता हूँ। ऑल राइट, अब आपको इस ऑप्शन को नहीं देखना कि नो डिवाइस कनेक्टेड, आपको सीधा आपको यहाँ पे गेम ऐड करनी है। कोई भी गेम आप ऐड कर सकते हैं। ऑल राइट, यहाँ पे हम अमंग अस ऐड करके ट्राई करते हैं। और अमंग अस को लॉन्च करते हैं। ऐसा ऐसा हो सकता है कि स्टार्टिंग में आपसे कुछ परमिशन मांगा, आपको उससे परमिशन दे देनी है अपने एंड्रॉइड के थ्रू। ऑल राइट, देख सकते हैं प्रॉपरली कंट्रोल कर पा रहे हैं अपने एंड्रॉइड को। ओके, तो हम यहाँ पे एक फ्री प्ले खोल लेते हैं। तो ये ऑब्वियसली ऑनलाइन में हम कन्फिगर ढंग से नहीं कर पाएंगे। तो हम यहाँ पे कि ये आपको नोटिस यहाँ पे दिख रहा होगा ऑप्शन, उस पर क्लिक करना है। यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना कीबोर्ड सेलेक्ट कर लेना है। वैसे गेम पर सेलेक्ट होता है, आपको कीबोर्ड सेलेक्ट कर लेना। यहाँ पे ऐड पे दबाना है और कंपस यूज़ करेंगे जॉयस्टिक की जगह, बिल्कुल स्मॉल। ऑल राइट, यहाँ पे हम की यूज़ करेंगे यूज़ में, हम स्पेस यूज़ कर लेते हैं। हम एक और की यूज़ करेंगे रिपोर्ट में, आर यूज़ कर लेते हैं। और एक लास्ट की यूज़ करेंगे हम, और आप बता दूँगा आप की को मतलब की को माप कर रहे हैं तो आपको अपने कीबोर्ड के थ्रू दबाना आएगा उस की को, तभी वो माप होएगी। और यहाँ पर जो किल का ऑप्शन होता है उस पर हम लेट्स से टी यूज़ कर लेते हैं। अब आपकी मर्जी, आप जो मर्जी मैप करें, ये मेरे मैपिंग से। अब एज यू कैन सी कि स्मूथ, अब आप ये मत समझना कि ये धीरे चल रहा है, धीरे इस वजह से चल रहा है क्योंकि ये कीबोर्ड से कंट्रोल हो रहा है। एक्चुअली जो गेम के अंदर का स्पीड है वो ही धीरे है। ऑल राइट, तो जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा स्मूथली ये चीज़ वर्क कर रही है। अब हम किसी टास्क पे चलते हैं और भी कुछ की मैपिंग कर लेते हैं, जस्ट लाइक इधर टैब और इधर एस्केप। और आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, वैसे फायर का बटन की माउस क्लिक हो जाए। ऑल राइट, अब टैब दबाएंगे तो टास्क खुल गए। बहुत ही स्मूथली ये चीज़ काम कर रही है, कोई भी डिले। सो गाइस, अब आपने देखा कि गाइस काफ़ी ज़्यादा गेम्स इसके ऑक्टोपस के सपोर्टेबल है, बट कुछ कुछ गेम्स ऐसी हैं जैसे कि माइनक्राफ्ट जो बिना ऑक्टोपस के भी कीबोर्ड और माउस से वर्क कर रही है। अब मैं इसका कुछ गेम प्ले आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैंने यहाँ पे एक ऑलरेडी क्रिएटिव वर्ल्ड यूज कर रखा है। अब गाइस माइनक्राफ्ट जैसी गेम का बिना देख सकते हैं, कहीं भी ऑक्टोपस का आपको नहीं दिख रहा। गाइस माइनक्राफ्ट जैसी गेम्स गाइस बिना ऑक्टोपस के भी सपोर्टेबल है कीबोर्ड माउस से। और इसकी आप सेटिंग में जाके कीबोर्ड माउस की मैपिंग भी चेंज कर सकते हैं। ऑल राइट, राइट,
इस प्रॉपरली कंट्रोल हो पा रही है, कोई दिक्कत नहीं हो रही है गेम खेलने में, देख सकते हैं आप। सो गाइज आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।